इस वीडियो में क्लास टेंथ के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर सेकंड का करने वाले हैं जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी यानी चोर की कहानी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर जिसके 100% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डज द थीप थिंक वह चोर क्या सोच रहा था यानी कैसे सोच रहा था। अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ्ट, अनिल चोर के बारे में क्या रिएक्ट करेगा यानी चोर को क्या, हाउ डज द थीप थिंक यानी चोर जो था उसे कैसा लग रहा था, चोर को कैसे लग रहा था कि जो अनिल है, अनिल विल रिएक्ट द थीप, अनिल को चोरी की प्रतिक्रिया क्या देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कहानी आपको पता ही होगा, एक चोर था इसमें और वो अनिल के यहाँ जाके रहता था, तो वही कह रहा है कि अगर चोर को चोरी, अनिल को चोरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, यही ये चोर क्या कर रहा था, सोच रहा था। तो चलिए देखते हैं इसका पहला आंसर आंसर क्या है। द थीफ थॉट, जो चोर था वो सोच रहा था दैट कि ऑन द डिस्कवरिंग, पता चलने पर यानी खोज होने पर, द थेफ्ट मीन्स चोरी का, चोर ये सोच रहा था कि चोरी का पता चलने के बाद अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे पर वुड शो दिखेगा अ टच ऑफ सैडनेस मीन्स थोड़ी सी उदासी। वो ये सोच रहा था चोर कि अगर चोरी का पता चल जाएगा तो अनिल के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आ जाएगी। फिर क्या कहता है, द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, द सैडनेस है जो उदासी है, वुड नॉट बी नहीं है फॉर द लॉस मीन्स खोने से ऑफ मनी उस पैसे के, यह उदासी पैसे की खोने की वजह से उसके चेहरे पे नहीं आएगी, बट लेकिन फॉर द लॉस ऑफ मनी, सॉरी मनी नहीं है पे ट्रस्ट, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन यह किसकी वजह से आएगी, भरोसे के खोने की वजह से, बट फॉर द लॉस मीन्स खोने की वजह से, आप ट्रस्ट मीन्स भरोसा, लेकिन भरोसे की खोने की वजह से उदासी आएगी। यानी पैसा गया इस बात का गम नहीं है उसे, उसे गम इस बात का है कि इस चोर ने उसका भरोसा क्या किया, तोड़ दिया। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका आंसर। द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, जो चोर था इस चोरी के पता लगने के बारे में सोच रहा था, क्या सोच रहा था, अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, अनिल के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आएगी, द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और यह उदासी पैसे की खोने की वजह से नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन यह किसकी वजह से होगी, भरोसा खोने की वजह से होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीप मेट हिम, व्हाट वाज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था व्हेन, जब द थीप मेट हिम, जब चोर उससे मिला, यानी चोर जब अनिल से जाके मिला तो अनिल क्या कर रहा था, यहाँ पे देखते हैं। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल जो था अनिल था वॉचिंग, देख रहा अ रेसलिंग मैच, मीन्स रेसलिंग मैच जिसमें वो मारो होता है ना, रेसलिंग मैच मुक्केबाजी वाला। तो ये कह रहा है कि अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, कब, व्हेन द थीफ, जब चोर अप्रोच्ड हिम, उसके पास पहुंचा, जब चोर अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हाट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही हरी सिंह वाज, यानी कह रहा व्हाट काइंड मीन्स किस प्रकार का था, द थीफ मीन्स चोर, वह चोर किस प्रकार का था और उस चोर का नाम क्या है, हरी सिंह, ब्रैकेट में दिया है ही का मतलब हरी सिंह, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, तो उसके बारे में देखते हैं, वह चोर तो था लेकिन किस प्रकार का चोर था, इसका आंसर देखते हैं हम। हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, हरी सिंह था एन मीन्स एक एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी थीफ मीन्स चोर, हरी सिंह एक अनुभवी चोर था, इसका मतलब बहुत चोरी किया है, तभी तो अनुभव आया है, क्योंकि अनुभव एक बार करने से नहीं, बार बार करने से आता है, यानी एक अनुभवी चोर था, इसका मतलब ये है कि बहुत बार चोरी कर चुका है। ही न्यू, वह जानता था हाउ टू, कैसे, क्या जानता था, ही न्यू हाउ टू विन, कैसे जीता जाता है अदर्स ट्रस्ट, दूसरे के भरोसे को, यानी यह चोरी अच्छे से जानता था कि दूसरे के भरोसे को कैसे जीतना है। आगे देखते हैं, ही सा, उसने देखा अनिल, अनिल को, हु वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, जो एक कुश्ती का मैच देख रहा था, उसने अनिल को देखा और अनिल क्या कर रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज अ स्लिम लीन, यहाँ पे देखिए, ही वाज, वह था अ स्लिम लीन मीन्स होता है दुबला पतला, स्लिम मीन्स दुबला, लीन मीन्स पतला, वह एक दुबला पतला मैन आदमी था, 25 मीन्स 25 साल का, और 25 साल का एक दुबला पतला व्यक्ति था। एक बार इसको स्पीड में देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, तो आंसर है हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, हरी सिंह एक अनुभवी चोर था, ही नो हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट, वह जानता था कि कैसे दूसरे के भरोसे को जीता जाता है। ही सा अनिल, हु वाज वॉचिंग द रेसलिंग मैच,
उसने अनिल को एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देखते हुए देखा। ही वॉज अ स्लिम लीन मैन ऑफ 25, वह 25 साल का एक दुबला पतला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे। व्हाट वॉज द रीजन, इसका कारण क्या था, यानी हरी सिंह के पास ज़्यादा मित्र नहीं थे, कम ही दोस्त थे, इसका कारण क्या है। अब चोर और के ज़्यादा दोस्त देखो नहीं होते, अब ज़्यादा दोस्त बनाएगा तो चोरी कहाँ करेगा, दोस्त क्या करेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं कहानी में क्या कहा है आंसर इसका। हरी सिंह हैड अ फ्यू फ्रेंड, हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, वह भरोसा करता था दैट कि फ्रेंड्स जो मित्र वर थे यानी जो मित्र होते हैं मोर ट्रबल, अधिक परेशान करते हैं देन हेल्प, मदद करने की अपेक्षा। यानी हरी सिंह ये मानता था कि जो दोस्त होते हैं वो जितना मदद नहीं करते हैं वो ससुरे उससे ज़्यादा परेशान करते हैं, इसी वजह से इसने इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, वह भरोसा करता था दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि दोस्त बहुत परेशान करते हैं देन हेल्प, मदद करने की अपेक्षा। यानी जो दोस्त होते हैं वो मदद कम और परेशान ज़्यादा करते हैं। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, क्योंकि इसमें चोर का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अनिल ही था जो चोर पर भरोसा किया था, तो उसी का कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, चोर का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनिल इज काइंड, अनिल क्या था, दयालु था, सिंपल साधारण था, एंड इजी गोइंग और आसान था, यानी सरल व्यक्ति था। इजी गोइंग का मतलब बहुत ही आसान सा था, सरल था, यानी अनिल एक दयालु साधारण और सरल व्यक्ति था, यानी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था आप कह सकते हो। ही इज बिग हार्टेड, वह एक बड़ा हृदय वाला था। ही इज वह है, बिग मीन्स बड़ा, हार्टेड मीन्स हृदय वाला, बहुत बड़ा हृदय वाला है। ही ट्रीट्स, वह व्यवहार करता है, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना, द नरेटर, नरेटर से नाइसली मीन्स अच्छे से, वह नरेटर से अच्छा बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। यहाँ पे नरेटर जो चोर था उसकी बात की जा रही है, क्योंकि इस कहानी को चोर ने ही लिखा है, तो नरेटर उसी को कहा जाएगा जो कहानी को लिखता है। तो नरेटर में चोर, इस कहानी को चोर ने लिखा है तो नरेटर चोर हो जाएगा, चोर का नाम क्या है, हरी सिंह है। तो यही कह रहा है, ही इज बिग हार्टेड, यानी अनिल के हृदय बहुत बड़ा है। ही ट्रीट, वह व्यवहार करता, कौन व्यवहार करता, अनिल व्यवहार करता, द नरेटर नाइसली, यानी अनिल उस नरेटर के साथ, उस चोर के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। ही टीच हिम, वह उसे पढ़ाता है, हाउ टू कुक, कैसे खाना बनाते हैं, यानी उसने उसको खाना बनाना सिखाया, किसको, चोर को। ही आल्सो टीच हिम, उसने टीच आल्सो मीन्स भी, टीच हिम उसको पढ़ाया, हाउ टू रीड मीन्स कैसे पढ़ा जाता है, एंड राइट कैसे लिखा जाता है, उसने उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाया। यानी अनिल ने चोर को पढ़ना लिखना भी सिखाया। द नरेटर, जो कि चोर है एक, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ बॉय थीप, द नरेटर जो नरेटर है ऑफ द स्टोरी कहानी है, इज अ बॉय मीन्स लड़के की, थीप मीन्स चोर, नरेटर एक ऐसे बच्चे की कहानी जो क्या है, चोर है। ही स्टील्स अनिल मनी, ही स्टील्स मीन्स होता है जिसने चुरा लिया, अनिल्स मीन्स अनिल के मनी मीन्स पैसे को, जिसने अनिल के पैसे को चुरा लिया। बट लेकिन ही कम बैक, वह वापस आ गया, यानी पैसा तो चुरा के गया लेकिन फिर वापस आ गया। अनिल नोज, अनिल जानता था, इट मीन्स इसे अनिल इसे जानता था कि वह पैसा चुरा के वापस आ गया है। बट लेकिन ही डज नॉट रिएक्ट, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, वो जानता था कि हमारा पैसा चुरा के ले गया है लेकिन फिर भी वो कुछ बोला नहीं, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही एक्सेप्ट, उसने स्वीकार किया, द बॉय उस लड़के के, थीप्स मीन्स चोर को, यानी उसने उस चोर लड़के को क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी उसने एक चोर को भी स्वीकार कर लिया। आप अपने घर में चोर को नहीं रख पाएंगे, लेकिन अनिल इतना अच्छा था कि उसने चोर को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जानते हुए भी किसने मेरा पैसा चुराया है। आगे देखिए, बिकॉज क्योंकि ही इज नाउ चेंज्ड, उसने क्यों स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि पैसा तो लेके भागा था लेकिन फिर वापस भी आ गया था, इसका मतलब वो उसके मन में कुछ तो भावनाएं थी। फिर आगे देखिए, अनिल चेंज्ड, अनिल परिवर्तित हो गया था, सॉरी अनिल चेंज्ड, अनिल ने परिवर्तित कर दिया था अ थीप, एक चोर को, इंटू अ गुड लैड, इंटू मीन्स में, अ गुड मीन्स अच्छे, लैड मीन्स होता है बालक, एक अच्छे बालक में, अनिल ने चोर को एक अच्छे बालक में बदल दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हिंदी में दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात क्लियर है। तो चलिए एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस लंबे क्वेश्चन को। अनिल इज अ काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग, अनिल एक साधारण और सिंपल, यानी हम कह सकते हैं साधारण और एक अच्छा व्यक्ति था। ही इज बिग हार्टेड, और बड़ा हृदय वाला था। ही ट्रीट्स द नरेटर नाइसली, और नरेटर से बहुत अच्छे से व्यवहार करता था। ही टीच हिम हाउ टू कुक, उसने उसे खाना बनाना भी सिखाया।
ही आल्सो टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट, उसने उसे लिखना और पढ़ना भी सिखाया। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ बॉय थीफ, या नरेटर जो है इस कहानी में एक चोर की भूमिका निभाया है। एंड नरेटर एक प्रकार का क्या है, चोर है। नरेटर एक चोर लड़के की कहानी है। ही स्टील अनिल, मान ली जिसने अनिल के पैसे को चुरा लिया। बट लेकिन ही केम बैक, वह वापस आ गया। अनिल नोज हीट, अनिल इस बात को जानता था, वो वापस आ गया, अनिल इस बात को जानता था। बट ही डज नॉट रिएक्ट, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ही एक्सेप्ट द बॉय थीप, उसने इस चोर लड़के को स्वीकार कर लिया। बिकॉज ही इज नाउ चेंज, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से, क्योंकि वह बदल चुका था। अनिल चेंज्ड, अनिल ने परिवर्तित कर दिया। अ थीप, एक चोर को, इंटू अ गुड लैड, एक अच्छे बालक में, अनिल ने एक चोर को अच्छे बालक में परिवर्तित कर दिया। ये था आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सेकंड से, ठीक। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके।